दोस्तों, अगर आप WWE को बहुत पहले से देखते आ रहे हैं तो आपको ये बात अच्छी तरह से पता होगी कि WWE अब पहले जैसा नहीं रहा। WWE में हमें पहले कई इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन देखने को मिलती थी जो आज के समय में नहीं मिलती है। जब से WWE ने रूथलेस अग्रेशन एरा से अपना एरा चेंज किया है, तब से WWE में बहुत से मैचों के रिजल्ट पहले से प्रेडिक्ट ऑडियंस कर लेती है और बड़े बड़े मैच को देखने में भी अब वो मजा नहीं आता जो पहले के एरा में आता था। पर WWE में कुछ रेसलर ऐसे भी हैं जिन्होंने रिंग में अपना कंट्रोल खो दिया और वो स्क्रिप्ट से बाहर चले गए। और आज आप इस वीडियो में 5 ऐसे रेसलर्स के बारे में जानेंगे जिन्होंने रिंग में अपना कंट्रोल खो दिया। नंबर 1, ब्रॉक लेसनर लॉस्ट हिज कंट्रोल अगेंस्ट जॉन सीना। दोस्तों, 2012 में जब ब्रॉक लेसनर अपने लिए नया शिकार खोज रहे थे, तब वहां एंट्री होती है जॉन सीना की और वो रिंग में जाकर ब्रॉक लेसनर के सामने उनको एक जोरदार थप्पड़ मार देते हैं। फिर शुरू हो जाती है दोनों के बीच एक जबरदस्त ब्रॉल और इस ब्रॉल के शुरुआत में ब्रॉक लेसनर जॉन सीना को रिंग में पटक कर उनको मारने लगते हैं। यहां जॉन सीना से थप्पड़ खाने के बाद ब्रॉक लेसनर अपना कंट्रोल खो देते हैं और जॉन सीना के मुंह पर एक फाइट मार देते हैं जिससे जॉन सीना के मुंह से खून भी निकलने लगता है। इसी के साथ ये ब्रॉल WWE हिस्ट्री का सबसे खतरनाक आउट ऑफ कंट्रोल ब्रॉल बन गया। नंबर 2, ट्रिपल एच लॉस्ट हिज कंट्रोल अगेंस्ट रोमन रेंस। दोस्तों, ट्रिपल एच WWE के कितने बड़े योद्धा हैं ये बात तो हम सभी जानते ही हैं, पर जब बात बदले की आती है तो ट्रिपल एच इसमें भी किसी से कम नहीं है। जब रोमन रेंस ने ट्रिपल एच को TLC 2015 में हॉस्पिटल पहुंचाया था तो तब से ट्रिपल एच उनके दुश्मन बन गए थे। और फिर रेसलमेनिया 32 के पहले के एक रॉ के एपिसोड में जब रोमन रेंस को लीग ऑफ नेशन के मेंबर मार पीट कर कमजोर कर देते हैं, तब वहां एंट्री होती है ट्रिपल एच की जो अपनी पुरानी मार का बेजोड़ बदला लेने आए थे और उन्होंने वहां रोमन रेंस को खूब मारा। रिंग पोज, टूल बॉक्स, हर कुछ से वार किया और उनको अनाउंस टेबल पर भी पटक पटक के उनके नाक को तोड़ दिया। इससे भी उनका मन नहीं भरा और ट्रिपल एच ने रोमन रेंस को स्टील की सीढ़ी पर पेडिग्री लगाकर उनको पूरी तरह इंजर्ट कर दिया। और यहाँ ट्रिपल एच ने अपने बदले की आग में लगभग अपना पूरा कंट्रोल खो दिया था। नंबर 3, जिंदर महाल लॉस्ट हिज कंट्रोल अगेंस्ट फिन बैलर। जिंदर महाल खली के बाद ऐसे रेसलर हैं जिन्होंने WWE में अपने प्रदर्शन से पूरे इंडिया का नाम रोशन किया है। दोस्तों, जब रॉ के एक एपिसोड में जिंदर महाल और फिन बैलर के बीच एक सिंगल मैच हुआ था तो मैच शुरू होने से पहले फिन बैलर ने बैक स्टेज में एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं जिंदर को इतनी आसानी से नहीं हराऊंगा, मैं थोड़ी देर उनके साथ खेलूंगा, जिसकी वजह से जिंदर को थोड़ी देर तक टीवी पर आने का मौका भी मिल जाएगा। लेकिन कुछ समय बाद ये बात जिंदर महाल तक पहुंच गई और वो ये सब बातें सुनकर आग बबूला हो गए। और जब इनका मैच शुरू हुआ तब इस मैच के दौरान जिंदर महाल ने फिन बैलर को गुस्से में एक तगड़ा फोरआर्म मार दिया जिससे फिन बैलर बौखला गए और जिसके कारण फिन बैलर इंजर्ड भी हो गए थे। ये काफी ज्यादा शॉकिंग इंसिडेंट था। नंबर 4, ट्रिपल एच लॉस्ट हिज कंट्रोल अगेंस्ट रैंडी ऑर्टन। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि ट्रिपल एच बदला लेने में किसी से पीछे नहीं है, वैसे ही जब फ्यूड चल रही थी मिस्टर मैकमैन फैमिली वर्सेस लेगेसी के बीच, तब रैंडी ऑर्टन ने ट्रिपल एच के ससुर के साथ स्टेफनी मैकमैन उनकी वाइफ को भी अपना शिकार बनाया था जिससे ट्रिपल एच आग बबूला हो गए थे, जिसके बाद उन्होंने रैंडी ऑर्टन के घर में घुसकर उनको बहुत मारा था और ट्रिपल एच ने रैंडी ऑर्टन पर कई ब्रूटल अटैक भी किए थे। जब सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तब वहां किसी ने पुलिस को फोन करके बुलाया और पुलिस ने फिर ट्रिपल एच को शांत किया और वो उन्हें फिर अरेस्ट करके ले गए। नंबर 5, ब्रॉक लेसनर लॉस्ट हिज कंट्रोल अगेंस्ट ब्रॉन स्ट्रोमैन। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि ब्रॉक लेसनर की गिनती गुस्सेल रेसलर में से की जाती है। वहीं जब रॉयल रंबल 2018 में यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए मैच ब्रॉक लेसनर वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमैन वर्सेस केन के बीच चल रहा था, तब उस मैच के दौरान ब्रॉन स्ट्रोमैन ने ब्रॉक लेसनर के फेस पर अपनी नी से बेहद ही जोर से मार दिया था जिसकी वजह से ब्रॉक को आ गया गुस्सा और मैच के दौरान ही उन्होंने ब्रॉन स्ट्रोमैन
के फेस पर जोरदार एक पंच जड़ दिया, जो पंच वो यूएफसी में फाइटर पर जड़ा करते थे, जिसके बाद ब्रॉन स्ट्रोमैन अकबक आ गए। ब्रॉक जैसे खतरनाक रेसलर जब रिंग में अपना कंट्रोल खो देते हैं तो वे अपोनेंट के साथ कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे कई किस्से WWE हिस्ट्री में दर्ज हैं। अगर आप इस वीडियो का सेकेंड पार्ट चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ हमारे चैनल रेसलिंग बॉस को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।